देशात राहणारा मुसलमान हा सच्च असून वेळ आली तर सीमेवर जाऊन अतिरेक्यांशी दोन हात करण्यास आम्ही सज्ज आहोत, आम्हाला आरक्षणाची भीक नको, आम्हाला आमचा हक्क द्या, असं प्रतिपादन मौलाना इब्तिहादुद्दीन यांनी केलंय. मुस्लिम समाजाला आरक्षण मागणीसाठी कर्जत येथे काढलेल्या मोर्चात ते बोलत होते. कर्जत तालुक्यातील मुस्लिम बांधवांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे यासाठी 10 नोव्हेंबर रोजी कर्जत तहसीलवर मूक मोर्चाचे आयोजन मुस्लिम आरक्षण कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले. कर्जत शहरातील जामा मस्जिद येथून मूक मोर्चास प्रारंभ झाला. जुन्या तहसील कार्यालयासमोर ईदगाह मैदानावर मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. मुस्लिम मोर्चा सकल मराठा समाज, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा यासह सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दर्शवलाय. या प्रसंगी विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी पाठिंबा देण्यासाठी भाषणेही केली. मौलवींनी कुराणातील पाठ पठण केल्यानंतर मौलाना अन्वर नदवी यांनी मार्गदर्शन केले. ये बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र का मुसलमान जाग गया और देहात से लेके शहर तक सारे के सारे मुसलमान अब मस्जिदों से निकलकर, खानकाह से निकलकर, मदरसों से निकलकर उलमा भी आपके दरमियान आ गए. आप जानते थे पहले इमाम साहब बाहर नहीं आते थे, वो नमाज पढ़ाते थे. उनके भी दिन में ये बात आ गई कि हमारा भविष्य खतरे में है, हमारे बच्चों का मसला खतरे में है, हमारे बच्चों का एजुकेशन उसका मामला बहुत नाजुक हो चुका है. इसलिए अब सब लोग जाग गए, मजहबी लोग भी जाग गए और दीनदार लोग भी जाग गए. सारे लोगों के दिल में एहसास पैदा हुआ कि अब हमको अपना मुतालबा करना है और हम जमहूरी तरीके से यहाँ आए. हमारा ये रेजोल्यूशन सिर्फ तालीम, एजुकेशन और नौकरी तक नहीं है, हम ये मुतालबा करते हैं राजकारण में भी हमको रेजोल्यूशन मिलना चाहिए. हम ये मुतालबा करते हैं कि सारे शोबों में हमको रेजोल्यूशन मिलना चाहिए. तो पहला मुतालबा आज हमारा ये है कि हमको रेजोल्यूशन दिया जाए, हमारा ये हक है. हमको तो हमारे नबी ने देना सिखाया, ज़कात हम देते हैं, लेकिन हमें लेना नहीं सिखाया. हमारे बाप दादा ने यहाँ रहना पसंद किया कि हम यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे. तो फिर हमको हक है कि जो हमने यानी मुंतखब किया और खुद अपने आप को यहाँ रहना पसंद किया, तो अब हमको नजरअंदाज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते. यानंतर मौलाना इब्तियाबुद्दीन यांनीही अत्यंत मार्मिक भाषेत आरक्षणाचे महत्व पटवून देताना भारतातील मुस्लिम हा देशभक्त असल्याचे ठणकावून सांगितले. तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे. मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे मजलूम माइनॉरिटी है. कि मुसलमान सिर्फ बात नहीं करता, लोहा लोहे को काटता है. सरक से फौज हटाओ, हमको आगे करो. हम देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या मजाल है. वो अगर देश की तरफ आंख उठाएगा, हम पाकिस्तान की आंख बाकी नहीं रखेंगे. यह हमारा फैसला है. देश का मुसलमान को आसमान से टपक नहीं पड़ा. 25-30 करोड़ मुसलमान कहां से टपक पड़ेंगे. बाद लोग कहते हैं कि जाए यहां से, हमको गाली बकते हैं पाकिस्तान के बदमाश के नाम पर. हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उसमें. मुसलमान सबसे ज्यादा नफरत करता है उन लोगों से जो मुल्क का दुश्मन है, मुल्क का गद्दार है. पाकिस्तान जो इस मुल्क में दहशत पसंदी फैला रहा है, इस्लाम इसका विरोध करता है, मुसलमान उसके विरोध करते हैं, हम उलमा उसका विरोध करते हैं और हम उसका जवाब देंगे. हमारे अंदर ताकत है, हमको कमजोर मत समझिए. पाकिस्तान अगर ये समझता है कि ये कमजोर है तो बेवकूफ है, वो पागल है. वो मैं कहता हूँ ये देश गुलशन है, गुलशन एक गार्डन है. यावेळी मुस्लिम आरक्षण कृती समितीचे निमंत्रक नगरसेवक तारेक सय्यद, इल्लूभाई पठाण, अल्लाउद्दीन काझी, शाबीर पठाण, अजुशेठ सय्यद, लतीफ पठाण, शरीफ पठाण, कादिर शेठ सय्यद, जाकीर सय्यद, विशाल मोगल, रजाक झारेकरी, पप्पू शेख, शमशेर शेख, फिरोज पठाण आदींसह स्वयंसेवकांनी विशेष परिश्रम घेतलेत. यावेळी तारेक सय्यद यांनी शेवटी सर्वांचे आभार मानलेत. मुस्लिम आरक्षण मोर्चाकरता मोठ्या संख्येने येणाऱ्या मुस्लिम बांधवांसाठी वडगाव तनपुरा आणि टाकळी खंडेश्वर येथे अल्पोपहाराची सोयही करण्यात आली.
मोर्चानंतर कर्जत नगर पंचायतीचे नगरसेवक तारेक सय्यद यांच्या वतीने सर्वांसाठी अल्पोपहाराची व्यवस्था करण्यात आली. मेळावा झाला आहे, मोर्चा झाला आहे, मुस्लिम समाजाने शांततेत मोर्चा पार पाडला. इतर विविध संघटनांनी आमच्या पाठिंबा आम्हाला दिला, त्याबद्दल संघटनेचं आम्ही अभिनंदन करतो. सर्व लोकांनी शांती जीवनास कार्यक्रम केला, पत्रकार छायाचित्रकार यांनी सर्वांनी सहकार्य केलं आणि शासन आमच्या मागण्या पूर्ण करतील असं मला तरी विश्वास वाटतो. प्रतिनिधी आशिष बोरा, ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, कर्जत.